अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डेरिटस प्लस जो टैबलेट्स हैं, मैं इसका आपको रिव्यू दूंगी और मुझे क्या सिम्टम्स थी और मुझे कितना इससे फ़ाका हुआ, इसकी प्राइस क्या है, ये मैं आपसे सारा कुछ डिस्कस करूंगी। बहुत शॉर्टली मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बोन्स की प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली मुझे गाइनी की प्रॉब्लम है, तो इसके साथ मुझे बोन्स की मसला हो गया था। यूरिक एसिड बहुत हाई लेवल पर चला गया था। तो मैं एक लाहौर में एक डॉक्टर हैं, तो उनके पास में गई थी। ऑर्थोपेडिक हैं, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने मुझे डेरिटस प्लस जो है वो प्रिस्क्राइब की और ये मैंने यूज़ की। तो इसमें विटामिन D3 भी है और ग्लूकोसामिन भी है बेसिकली। तो मैंने हर तरह की जो बोन्स की, कैल्शियम की, विटामिन D3 सब कुछ यूज़ कर लिया था। मुझे फ़र्क नहीं हो रहा था, पड़ रहा था ना बिल्कुल भी। तो मैंने ये यूज़ की है और 1200 प्राइस है इसकी और 30 टैबलेट्स हैं इसमें, सप्लीमेंट्स हैं बेसिकली ये। तो मुझे स्टमक की भी प्रॉब्लम रहती है, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 मैंने यूज़ कर ली है। और बेसिकली मुझे शाटिका की भी प्रॉब्लम होती है और फ्रोजन शोल्डर का भी मसला आ रहा था साथ में। तो मैंने अभी ये 5 यूज़ किए हैं, तो मुझे काफ़ी हद तक बेहतर महसूस हो रहा है कि मुझे अब उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। जैसे घुटनों में मुझे पॉप्स की उठते बैठते आवाज़ आती थी, उस तरह की क्रैक्स नहीं होते। और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि मैं, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ 5 यूज़ किए हैं, अभी ये रहती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको 1 महीना गुजरने के बाद भी इसका फीडबैक दूंगी कि आपको यूज़ करनी ही चाहिए नहीं। तो मैं ब्लड प्रेशर भी है मुझे, लेकिन आप यकीन करें कि मुझे जो है ना ये टैबलेट्स से मुझे काफ़ी बेहतर लगी हैं और मैंने 5 टैबलेट्स मैंने यूज़ कर ली हैं। तो मुझे मुझे लगता है, फील होता है कि मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ ये मेडिसिन लेने के बाद ना। आप लोग भी यूज़ करें और अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा करने के बाद आप यूज़ करें इसको, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।